नमस्कार दोस्तों, 1965 की जंग के बाद शास्त्री जी ने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। ये नारा ये दर्शाता था कि हिंदुस्तान के बनने बढ़ने और बनने रहने के लिए हिंदुस्तान के जवान और किसान बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन आज वो क्या रहा है? वो ये रहा है कि सरहद पे हमारा जवान भूखा है, उसे खाने के नाम पर दी जा रही पानी वाली दाल, और उसकी शिकायत भी ना हो, शिकायत हो तो यादव जी के लिए तरह उनको मिलती है सज़ा, मतलब कि हम अपने रक्षक के भक्षक बन चुके हैं। दूसरी तरफ है किसान। किसान ये है कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से, हमारे गवर्नमेंट की निगलिजेंस की वजह से अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। इलेक्शंस आते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं किसानों के, वोट लेते हैं और फिर भूल जाते हैं। पॉलिसीज़ बनती है, ज़मीनी स्तर पर काम नहीं होता है, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। थक हार के अकेला बड़ा हुआ ये किसान आत्महत्या करता है, अपने परिवार को भी अकेला छोड़ के चला जाता है। यकीन मानिए, ये सिचुएशन बहुत डेंजरस है, बहुत ज़्यादा डेंजरस। एक कंट्री जो कि एग्रीकल्चर कंट्री है इंडिया, उसमें इस तरह का बर्ताव अपने किसानों से बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शेमफुल है। हम सब, आप और मैं, हम सब इसके लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। जागिए, सपोर्ट कीजिए अपने किसानों को, अपने जवानों को। उनका होना हमारे होने के लिए बहुत ज़रूरी है, उनका हंसना हमारे हंसने के लिए बहुत ज़रूरी है, उनका खुश होना हमारे खुश होने के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने ज़मीर को इस तरह मत सोने दीजिए, अपने किसानों की आवाज़ बनिए, उनकी प्रॉब्लम सुनिए, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए, उनकी मदद कीजिए। उन्हें इस तरह अकेला छोड़ना इंसानियत के भी ख़िलाफ़ है। आप और मैं मिलकर इन किसानों को और जवानों को सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर 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 वो हमें बेहतर फ्यूचर के लिए हेल्प कर सकते हैं। धन्यवाद। आम प्रेस के लिए डॉक्टर शबाना।